व्हाट्स अप गाइस, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग पढ़ने वाले कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। देखो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ये जो सेशन है ये पूरे फिजिक्स में बहुत बार आने वाला है, मतलब न्यूटन लॉज में, पूरे मैकेनिक्स में आपको हर वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो ध्यान में रखो, ये सेशन जो है वो वापस बहुत अच्छे से देखो। जैसे कि यूनिट वेक्टर था और कंपोनेंट्स था, ये दोनों सेशंस आपको पूरे मैकेनिक्स या पूरे फिजिक्स में काम आने वाले। तो वापस देखो, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, जो भी कन्फ्यूजन होगा वीडियो लेक्चर के एंड में आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखो, लेकिन कन्फ्यूजन मत रखो, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के अलग अलग नाम हैं, इसको हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इवन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। मतलब यहाँ पे तीन तीन नाम हम लोग ने देख लिए, प्रोजेक्शन, रिजोल्यूशन, कंपोनेंट। अब ये सब नाम एक ही कैसे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब उसके पहले मैं पहले वेक्टर को ड्रॉ करता हूँ। अब जैसे मैंने एक वेक्टर को ड्रॉ किया, अब ये है वेक्टर मेरा ए बार, ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए, ठीक है। अब मुझे बताओ कितने एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब समझने के लिए, जैसे जेड एक्सिस मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जेड तो आउट ऑफ द पेज आ जाएगा, तो जेड एक्सिस में यहाँ पे पहले ड्रॉ नहीं करता, आपको कन्फ्यूज नहीं करता, पहले सिर्फ हम लोग एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ। एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे मैंने दो एक्सिस को ड्रॉ किया हुआ है, एक हो गया एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया वाई एक्सिस। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, रिजोल्यूशन होता है, प्रोजेक्शन होता है, वो क्या होता है देखते हैं। अब ये वेक्टर ए लेट्स से एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। जो मेनली कंपोनेंट्स, जो मेन कंपोनेंट जो अपने काम में आने वाले हैं पूरे फिजिक्स में, वो होते हैं एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। यहाँ पे तो जेड है नहीं, तो एक्स एंड वाई ही देखते हैं। देखो, एक्स कंपोनेंट क्या होता है, एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है वो देखो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखो, टेल तो ओरिजिन पे, राइट, ये तो मेरा ओरिजिन है, उस पर टेल है। अब ये जो हेड है ना यहाँ पे इस वेक्टर का, ए वेक्टर का, वहाँ से सीधा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। अब जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कहाँ पे मिलता है, इस पॉइंट पे मिलता है ना। अब ये जो लेंथ होती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इस लेंथ को ही बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। समझ में आया? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। लेकिन कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इस वेक्टर ए बार का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकाला। तो कंफ्यूज मत हो, क्या किया मैंने, कंपोनेंट तो ये हो गया, राइट, जो मैंने येलो कलर में लिखा हुआ है, मैंने येलो कलर में जो लाइन ड्रॉ किया है वो तो कंपोनेंट है। लेकिन कैसे किया वो, इस वेक्टर ए का मैंने एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लिया। देखो सेम ही है ना, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन लिया, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। अब प्रोजेक्शन कैसे लिया मैंने, इस वेक्टर ए बार से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पे कंपोनेंट निकालना है मुझे, एक्स एक्सिस पे। तो जो वेक्टर है उसके हेड से मैंने यहाँ पे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार ऑन एक्स एक्सिस, या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बार ऑन एक्स एक्सिस। और इसको तीसरा टर्म होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए बार ऑन एक्स एक्सिस। तीनों तीन टर्म्स सेम है, रिजोल्यूशन करो, प्रोजेक्शन करो, और प्रोजेक्शन और रिजोल्यूशन करने के बाद क्या मिलता है, कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब बताओ सिमिलरली वाई कंपोनेंट क्या होगा, क्या करूँगा मैं, इस वेक्टर के हेड से मैं वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस। अब दिखेगा कैसे, कुछ ऐसे, राइट। तो ये हो गया मेरा प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, और आई कैन से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए बार ऑन वाई एक्सिस, और आई कैन इवन से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखते हैं इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। मुझे बताओ इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को नाम ले लेते हैं, लेट्स से ओ हो गया, ये हो गया लेट्स से सी, और ये हो गया डी। अब ट्रायंगल ओ सी डी में मुझे बताओ
कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एडजेसेंट साइड ओ सी डिवाइड बाई ए डी, राइट। तो ओ सी की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस थीटा इंटू ए डी, ए डी क्या है, हाइपोटेनियस है, तो ए इंटू कॉस थीटा, राइट। अब देखो इस ट्रायंगल में मुझे बताओ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, अब कॉस थीटा की वैल्यू होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इट इज ओ सी डिवाइड बाई ओ डी, राइट। अब ओ सी की लेंथ कितनी हो गई, ओ डी मेरा हाइपोटेनियस है, वही मेरा वेक्टर ए बी तो है, तो ए कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा क्या हो गया, मेरा साइन थीटा होता है लेंथ डी सी डिवाइड बाई ओ डी, तो लेंथ डी सी कितना हुआ, मेरा लेंथ डी सी हो गया लेंथ ओ डी, मतलब ए साइन थीटा, ठीक है। ये तो मैंने वापस लिख दिया, जिनको ये पता है ठीक है, नहीं पता है तो देख लो अभी, ओके। तो बेसिकली मेरा ओ सी का जो लेंथ होता है कितना आया, ए कॉस थीटा। अब वही लेंथ, वही मेरा होता है कंपोनेंट, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ कितनी होगी, ए कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, क्या दिख रहा है आपको, ये लेंथ, राइट। लेकिन ये लेंथ किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, सी डी का लेंथ कितना आया है, ए साइन थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस इज ए साइन थीटा। आपको समझ में आया मैंने क्या किया यहां पे, तो यहां पे मैं क्विकली इसको वापस रिवीजन कराता हूं। वेक्टर ए था जिसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हुआ, ए कॉस थीटा। कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना हुआ, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। अब किस कैसे याद रखना है, वेक्टर ए दिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, जहां पे एंगल थीटा होता है ना उसके बाजू वाला जो लेंथ होता है वो कॉस होता है, और जो दूसरा एक्सिस होगा वो क्या होगा, साइन होगा। देखो यहां पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैंने कुछ ऐसे ही वापस ड्रॉ किया, अब मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ किया, लेट्स से बी वेक्टर, ठीक है, जिसका लेंथ है बी। अब यहाँ पे मैं और दो डायग्राम्स ड्रॉ करता हूँ, अब यहाँ पे मैंने तीनों तीन डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है। अब हम लोग हर एक में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे इसको लिख के रखता हूँ क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो ये होता है मेरा क्या, x कंपोनेंट, और ये क्या होता है मेरा y कंपोनेंट, बस आपके रेफरेंस के लिए। तो ये हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट, ठीक है। अब इन तीन डायग्राम से मुझे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालना है, मतलब उसका लेंथ निकालना है। अब देखो यहाँ पे वेक्टर है b बार, उसका लेंथ कितना है b, एंगल कहाँ पे, थीटा यहाँ पे है, मैंने क्या बोला था, वेक्टर b के बाजू वाला, अब एंगल थीटा है, थीटा के बाजू वाला जो लेंथ होगा वो क्या होगा, cos, दूसरा वाला क्या होगा, sin। तो ये लेंथ कितना हुआ, बी कॉस थीटा, राइट। कैसे करेंगे, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया मेरा बी कॉस थीटा। अब सिमिलरली ये लेंथ कितना हुआ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लेंथ हुआ वो कितना हुआ, बी साइन थीटा, राइट। बाजू वाला कॉस, इधर वाला साइन, तो ये हो गया मेरा x कंपोनेंट b cos थीटा, y कंपोनेंट क्या हो गया, b sin थीटा। इस डायग्राम में बताओ, अब ये डायग्राम में एक वेक्टर c बार दिया हुआ है, लेकिन एंगल कहाँ पे, अभी y एक्सिस के साथ है थीटा, जहाँ पे एंगल होता है उसके बाजू वाला क्या होता है, cos, दिमाग नहीं लगाना है, तो बाजू वाला क्या हो गया, cos, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बाजू वाला ये जो लेंथ हो गया वो हो गया मेरा c cos थीटा, और ये वाला लेंथ कितना हो गया x एक्सिस पे, c sin थीटा। देखो बदल गया ना, अभी ये sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, तो कंफ्यूज मत हो जाना, थीटा है, थीटा के बाजू वाला cos, उसके अपोजिट वाला sin। अब यहां पे देखो थर्ड डायग्राम कुछ अलग वे में दिया हुआ है, यहां पे x एंड y एक्सिस तो नॉर्मली हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, अब x एंड y एक्सिस को मैंने रोटेट कर दिया, देखो कुछ रोटेट किया है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वापस दिमाग नहीं लगाना है, अलोंग x एंड y एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर ही होते हैं। अब जैसे रोटेट किया हुआ है, यहां से x एक्सिस पे
ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, अब एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस है और इसका लेंथ है डी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, डी कॉस थीटा, बस यहाँ पे लिख दो डी कॉस थीटा, बाजू वाला कितना हो जाएगा डी साइन थीटा, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कितना हो गया ये चीज डी साइन थीटा। यहां पे तो एक्सिस सीधे थे, यहां पे मैंने एक्सिस को थोड़ा टिल्ट कर दिया, लेकिन कुछ फर्क पड़ा कुछ नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा सीधा रखो नहीं तो आड़ा टेढ़ा रखो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो यहां पे डी, तो ये हो गया डी कॉस थीटा, ये हो गया डी साइन थीटा। समझ में आया कि कैसे कंपोनेंट निकालते हैं, चलो अच्छी बात है। अब होगा जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का मैंने नहीं बताया, अब जेड एक्सिस का समझने के लिए आपको अब थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं जेड एक्सिस यहाँ पे बताऊंगा तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं जेड एक्सिस यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जेड एक्सिस हम लोग थोड़ा बाद में ही देते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स तो खत्म हो गया, ठीक है। अब जो यूनिट वेक्टर हम लोग ने पढ़ा है और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो हम लोग ने पढ़ा है, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, मतलब क्या करेंगे, हम लोग यूनिट वेक्टर सेपरेटली पढ़ा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सेपरेटली पढ़ा, इन दोनों को अभी कंबाइन करेंगे, और जब हम लोग कंबाइन करेंगे देखो क्या चीज़ ब्यूटीफुल चीज़ बनती है।